हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है ईपीएफओ एसएससी का, उसके सिटी इंटीमेशन के बारे में कि आपका अगर टाइपिंग टेस्ट है तो आप कैसे सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊँगा जो आपको टाइपिंग के लिए ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुछ डेटा भी दिखाऊँगा कि टाइपिंग टेस्ट के अंदर कितने बच्चे फेल होते हैं ईपीएफओ की, जैसे सीएचएसएल की होगी इसकी तरह ही होती है, 35 वर्ड्स पर मिनट वहाँ पर चाहिए होते हैं सीएचएसएल में, ऐसे ही 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर पूछे मांगा गया है एसएससी के अंदर। तो आपको दिखाऊंगा एक डेटा ही कितने बच्चे इसके अंदर फेल होते हैं। अगर आपने किसी तरह से टाइपिंग को क्वालिफाई कर लिया तो आपके कितने ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि आप फाइनल लिस्ट तक पहुँच सको, ठीक है। पर इसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, अनलर्निंग पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये मिलेगा लिंक। यहाँ पे 38 सब्सक्राइबर है कुल, क्योंकि मैंने अभी नया चैनल बनाया है फ्राइडे को ही, ज़्यादा अभी लोग इसमें है नहीं, पहले एक ग्रुप था, वो ग्रुप जो है अब कोई दिक्कत आ गई है तो इसलिए एक चैनल बनाया नया। यहाँ पर आके आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे सिटी इंटीमेशन का जो है पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना, एंटर सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन नीचे लिखा हुआ है, इसको डालते ही जैसे ही सबमिट करोगे आप तो आपके सामने आपका सिटी इंटीमेशन जो है खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपका सिटी इंटीमेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपकी सिटी लिखी होगी, यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखा होगा, बाकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी। यहाँ पर आपका जो दो से तीन दिन पहले आपका जो है 19 तारीख से दो तीन दिन पहले मतलब 16 या 17 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके अलावा जो बच्चों को बहुत दिक्कत कर रहा था यहाँ पर, मतलब बच्चे बहुत डाउट में थे कि सर बैक स्पेस अलाउ हो गया नहीं, तो इंस्ट्रक्शन जो इसकी आई है टाइपिंग की उसके अंदर क्लियरली मैंशन है कि आपको बैक स्पेस अलाउ है, ठीक है। एरर कितना अलाउ है, अनरिजर्व के लिए 7% और अदर्स के लिए 10%। हम सभी को पता है इसमें कितने वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट, सीएचएसएल में भी इतनी चाहिए होती है। अब आपको एक डेटा दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, सीएचएसएल 2021 के एग्जाम का टाइपिंग का, यहाँ पे देखो कितने बच्चों को जो है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कराया गया था। यहाँ पर लगभग 35,000 बच्चों को जो है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया था, और उसमें से कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, 14,873 बच्चों ने, 14,873 बच्चे, मतलब 15,000 बच्चे, 35,000 में से 15,000 बच्चे टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई कर पा रहे हैं जहां पर 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। और अगर हम देखें कि ईपीएफओ एसएससी के अंदर बेशक 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए जो सीएचएसएल में भी चाहिए, लेकिन ईपीएफओ एसएससी का पैसेज जो आएगा जो टाइप करना है वो एसएससी सीएचएसएल से थोड़ा सा हार्ड आएगा। वहाँ पर जो है आपके नंबर्स भी यूज़ हो सकते हैं, सिंबल भी यूज़ हो सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल में ये चीज़ कम होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर। तो यहाँ पर बच्चों की स्पीड थोड़ी और कम हो सकती है, तो आपके लिए टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करना एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं, और जो मैंने आपको यहां पर दिखा दी एक डेटा से, मतलब 50-60% बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग से बाहर हो जाते हैं सीएचएसएल की। तो यहाँ पर भी बहुत बच्चे बाहर होंगे, तो अगर आपने किसी भी तरह से अपनी टाइपिंग को अच्छा करके वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। तो ये 12 से 13 दिन आप सब कुछ भूल भाल करके जो है अपनी टाइपिंग को अच्छे से अच्छा करें, और हो सके तो 35 की जगह 37 या 38 वर्ड्स पर मिनट लेकर चले, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पर जब टाइपिंग का माहौल होता है ना, जो वॉइस आती है की डिप्रेशन की सारे बच्चों के एक साथ, वहाँ पर हम थोड़ा सा कभी कई बार नर्वस हो जाते हैं, हमारी जो स्पीड है वो एक्चुअल नहीं आ पाती, तो आप थोड़ी सी स्पीड को ज़्यादा लेकर चलें। और मैं कहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसके अंदर इस तरह की साउंड्स है कि जब टाइपिंग टेस्ट बच्चे देते हैं उस टाइम जो वहाँ पर क्लास के अंदर जो साउंड होती है उस तरह की साउंड काफ़ी सारी पड़ी है, आप वो साउंड चला करके अपने कान में ईयरफोन लगा के तब टाइपिंग करें, आपको उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ये अनलर्निंग पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और जिन भी दोस्तों ने आपके इस एग्ज़ाम को दिया है और वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।